गौशाला संचालक की मौत हो गई है। मौत से पहले गौशाला संचालक ने वीडियो भी बनाया। वीडियो में तीन लोगों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया है। नाराज परिजन और ग्रामीण पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि उनको समझाने के लिए डीएसपी और एसएचओ वहां पर पहुंचे हुए हैं। गोविंदगढ़ कस्बे का ये पूरा मामला है जहां पर गौशाला संचालक की मौत हो गई। मौत से पहले वीडियो बनाया गया। वीडियो में तीन लोगों को मेंटल एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया गया। अब प्रदर्शनकारी जो ग्रामीण के लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। समझाने का दौर जारी है और यही उनके तरफ से मांग की जा रही है कि जो लोग इसमें आरोपी हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी हो पाए। हालांकि मृतक जो मुकेश है उसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तीन लोगों पर टॉर्चर करने का आरोप मृतक के द्वारा लगाया गया है। जो आज घटना घटी है वो गौशाला के पास की है। इस घटना को गौशाला के रूप दिया जा रहा है। इसमें मेरे को और मेरी गौशाला को बदनाम किया जा रहा है। बदनाम करने वाले हैं सबसे नंबर वन पे तो गिरधारी जी मीणा, दूसरे नंबर पे कालू जी सैनी, तीसरे नंबर पे कालू राम मीणा। और मैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। पिछले 7 साल से लगातार कभी कुछ करते जा रहे हैं मेरे लिए। साचौर से खबर है। करड़ा थाना क्षेत्र के ताविदर गांव में बकरी चराने वाले दो बच्चों की अवैध खान में गिरने की वजह से जान चली गई। बताया ये भी जा रहा है कि वन क्षेत्र में बनी हुई अवैध खान में बच्चे पानी में डूब गए हैं। पानी में डूबने से दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। एक दूसरे को बचाने के प्रयास में दोनों बच्चे डूबे और उनकी मौत हुई। घटना की सूचना हालांकि मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दोनों शवों को भी खान से बाहर निकाल लिया गया है और उसके बाद उन्हें मोर्चे में रखवाया गया। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद परिजनों को शव सौंप दिए जाएंगे। तो दो बच्चों की अवैध खान में गिरने की वजह से मौत हो गई है। बताया जा रहा है पैर फिसलने की वजह से हादसा। और इधर राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा कि इस साल का पहला सत्र होने के कारण राज्यपाल का अभिभाषण होना चाहिए। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। नए साल यानी 2024 का सत्र का आगाज हुआ और सत्र के पहले ही दिन व्यवस्था का प्रश्न टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने उठाया कि राज्यपाल का अभिभाषण होना चाहिए। अभी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उनसे बात करें क्या नियम कहता है कि राज्यपाल का अभिभाषण होना चाहिए। क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब भी ले रखी है? देखिए क्या संविधान ये कहता है आर्टिकल 176 कि जब भी विधानसभा का पहला सत्र होगा वो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होगा और जब भी नए विधायक चुन के आएंगे उनका भी जो पहला सत्र होगा वो भी राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। इन्होंने जो पिछला सत्र जो कराया है जो नवनिर्वाचित विधायकों का जो पहला सत्र था वो इन्होंने दिसंबर के अंदर आहूत किया और दिसंबर से चल के जनवरी में उसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ और मार्च में सत्र अवसान हो गया। अब चूंकि वो सत्र लास्ट ईयर का था, दिसंबर में आपने बुलाया था, जनवरी में आपने नहीं बुलाया था, तो वो पिछले सत्र में ही गिना जाएगा। ये जो कि नया सत्र है, पहला सत्र है इस फाइनेंशियल ईयर का, तो इसमें आपको राज्यपाल महोदय से अभिभाषण की शुरुआत होती। इसमें आज ऐसे लोग सत्ता के अंदर आ गए जो इस संविधान की वजह से आए हैं लेकिन इस संविधान को नहीं मान रहे। क्या ये गतिरोध बरकरार रखने की मंशा में या कोई संशोधन इसमें किस तरह की बात करें, गलती माने, कोई बात है, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण करवाएं। और वक्त है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।